पेट्रोल पंप पे देखा, हाँ लेकिन एक बात बड़ी अजीब देखी तुम, वो बड़े बड़े ट्रक के पीछे अपनी छोटी सी स्कूटी लेके क्या कर रही थी? उसमें डीजल डलवा रही थी। अरे पहली बार गई क्या हाँ पहली पेट्रोल बार गई थी, इससे पहले मेरे भाई डालता था ना उसमें। पंप? अच्छा, अरे फिर डाल के दिया क्या उन्होंने नहीं डीजल? दिया, वो बोले कि मैम आप बाजू में जाओ पेट्रोल पंप वहां में। से पेट्रोल डलवाया हाँ होगा। पेट्रोल हाँ गई, डलवाया। लेकिन क्यों? अरे कैसे अरे देख मतलब? मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे, 90 रुपीज ही थे, और डीजल हाँ बहुत सस्ता था हाँ और पेट्रोल की प्राइस बहुत ही हाई थी, हाँ 10 या 20 रुपए से। तो हाँ मैंने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है ना, डीजल डलवा लेती हूँ। अच्छा। अरे लेकिन ऐसा थोड़ी होता है ना, ये चीजें भी ये केमिस्ट्री पे काम अच्छा करती दोनों है, डिफरेंस है क्या? दोनों अलग है। डीजल की अच्छा केमिस्ट्री अलग है, पेट्रोल की केमिस्ट्री क्या अलग है। अलग? देखो अगर हम देखें ना तो दोनों हाइड्रोकार्बन ही है, ओके लेकिन डीजल जो है थोड़े से बड़े हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना हुआ। जनरली ये होते हैं एल्केन्स और साइक्लो ओके एल्केन्स, ठीक है? तो डीजल जो है ये 12 कार्बन की लंबी चेन से बड़े जो हाइड्रोकार्बन से उनका बना होता है, और जो जो पेट्रोल होता है ना वो 5 से 12 कार्बन के एल्केन्स या साइक्लो एल्केन्स का बना होता है, ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर अभी तुझे मैं दिखा देता हूँ, ओके ठीक है? ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अभी क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा डीजल बड़े हाइड्रोकार्बन से बना है, इसलिए अगर तूने कभी हाथ लगा के देखा होगा तो जो डीजल होता है ना ज्यादा डेंस होता है, पेट्रोल थोड़ा सा कम डेंस कम होता है। डेंस होता है। अब ये डीजल से ज्यादा एनर्जी मिलती है इसलिए बड़े वाहनों में इसको यूज किया जाता है, पेट्रोल से थोड़ी सी कम एनर्जी मिलती है इसलिए उसको छोटे छोटे वाहनों में यूज वाले। किया है। अभी ओके समझा तेरे को यस डिफरेंस? अभी समझा। समझ गया ना? अगली बार तो पेट्रोल लगवाएगी ना नहीं नहीं बराबर। हाँ, सो आई होप आपको भी समझा होगा क्या डिफरेंस है। ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक थैंक यू। यू।